ये चाय है और ये पानी है, ये चाय में थोड़ी देर पहले ये पानी था और ये पानी थोड़ी देर पहले इस चाय में मिला था, थोड़ी देर पहले अगर ये पानी ना होता तो ये चाय ना बनती और थोड़ी देर बाद अगर ये पानी ना होता तो चाय ना बन पाती। मतलब क्या कंफ्यूजन है, मतलब चाय है और पानी है, थोड़ी देर पहले पानी से ही चाय बनी थी, क्या कंफ्यूजन है। यही कंफ्यूजन फिल्म दोबारा देखकर भी पैदा होता है कि अभी ये अभी वो, मतलब क्या कंफ्यूजन है, यही बताते हैं ना इस रिव्यू। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कंफ्यूजन चल रहा है कि भैया ये आदमी कर क्या रहा है। जब मैंने दोबारा देखी तो मुझे भी लग रहा था कि भैया ये कर का रहा है, मतलब कुछ तो कर रहा है, समझ तो आ रहा है, लेकिन इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि भाई व्हाट्सएप के मैसेज में चेक ही नहीं कर पाया और वॉशरूम भी बस इंटरवल में जा पाया। बीच में मैंने सोचा पॉपकॉर्न ले लेता हूं, लेकिन अगर चला जाता तो फिल्म समझ में ही नहीं आती, तो मतलब नुकसान हो गया यहाँ तो। अब भैया अनुराग कश्यप जब फिल्म बनाते हैं ना तो उम्मीदें ज्यादा होती हैं और तापसी पन्नू अगर उसमें हो तो उम्मीदें और ज्यादा हो जाती हैं। इस बार पावेल गुलाटी भी साथ हैं, थप्पड़ में तापसी और पावेल की जोड़ी कमाल दिखा चुकी है, तो इस बार अनुराग कश्यप ने बनाई एक रीमेक। 2018 में आई स्पैनिश फिल्म मिराज का रीमेक, लंदन फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म दिखाई जा चुकी थी, वहां लोगों को खूब पसंद आई थी, क्रिटिक्स ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और इसीलिए उम्मीद थी कि भाई बॉलीवुड के जो बुरे दिन चल रहे हैं ना वो इस फिल्म से शायद थोड़े से लद जाएंगे, लेकिन फिर से रीमेक। अब फिल्म है कैसी, देखिए भाई फिल्म जो है ना वो सबके लिए नहीं है, मतलब मेरे साथ कुछ लोग बैठे जो फिल्म देख रहे थे वो कह रहे थे का हो रहा भैया, चल क्या रहा है, समझ में ना आ रहा, ये हो का रहा है, यही था। फिल्म बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली है, ये तापसी ने हमें जो इंटरव्यू दिया था ना उसमें भी कह दिया था कि अगर आपने 2 मिनट भी फिल्म को मिस कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। वैसे मैंने मिस नहीं की और मुझे समझ में आया कि क्या चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें तब भी समझ में नहीं आया था कि क्या चल रहा है। देखिए फिल्म टाइम लैप्स की कहानी है, मतलब अभी कुछ हो रहा है, थोड़ी देर पहले कुछ हो रहा है, फिर 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 कुछ हो रहा है, और ऐसे में समझ में नहीं आता क्या कुछ हो रहा है। कई बार फिल्म की शुरुआत जबरदस्त होती है, फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, सेकेंड हाफ आते आते भी सस्पेंस एकदम कायम रहता, आपकी दिलचस्पी जो है वो बनी रहती है, क्लाइमेक्स जो है वो सही कहूं तो मेरी समझ में नहीं आया कि अनुराग कश्यप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्लाइमेक्स ने मुझे डिसअपॉइंट किया। ओवरऑल फिल्म के लिए मैं ये कहूंगा कि ये एक डिफरेंट टाइप की फिल्म है, मतलब इस फिल्म को अगर कोई बड़ा डायरेक्टर बनाता, भाई यशराज बनाते या करण जौहर बनाते, तो भैया फिल्म को लेकर चर्चे जो है वो अलग ही लेवल के होते। अनुराग कश्यप ने बनाया है तो अनुराग कश्यप की एक अलग ऑडियंस है जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड है। अनुराग कश्यप की वैसी वाली ऑडियंस नहीं है, भौकाल वाली ऑडियंस की, मतलब मासेस वाली ऑडियंस, और ये फिल्म भी जो है वो मासेस के लिए बिल्कुल नहीं। इस फिल्म को हो सकता है आप देखें तो आपको लगे कि क्या बकवास फिल्म है, और हो सकता है अगर आप डिफरेंट तरह का सिनेमा देखने के शौकीन है तो आपको लगे कि भाई क्या फिल्म। परफॉर्मेंस की बात करें तो तापसी पन्नू टॉप नॉच है, देखिए तापसी कमाल की एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है, आप उन्हें कोई भी रोल दे दीजिए वो उसे इस तरह से निभाती हैं कि आपको वो तापसी नहीं वो किरदार ही लगने लगती है। पवेल गुलाटी की परफॉर्मेंस शानदार है, पवेल फिल्म में छा गए, तापसी के साथ पवेल की जोड़ी बहुत जमती है, पवेल पुलिस वाले बने और कहीं ना कहीं इस पुलिस वाले की एक इमोशनल साइड भी है बहुत, और वो इमोशनल सीन्स भी पवेल ने जबरदस्त तरीके से निभाए। इसके अलावा राहुल भट्ट, हिमांशी चौधरी, तमाम एक्टर्स जो हैं सबकी परफॉर्मेंस कमाल की है। देखिए ये फिल्म एक अलग तरह की फिल्म कही जा सकती है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू ने तो इस फिल्म से पहले कहा था कि भाई बाकी सबकी फिल्मों का बॉयकॉट कर रहे हो, हमारी का क्यों नहीं कर रहे, उस वजह से फिल्म को कुछ नुकसान भी हुआ था, तो हालांकि बॉयकॉट गैंग से फिल्मों को कितना फर्क पड़ता है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर अलग तरह का सिनेमा देखने के शौकीन है तो इस फिल्म का बॉयकॉट मत कीजिएगा, इस फिल्म को देख लीजिएगा, और अगर अलग तरह का सिनेमा देखने के शौकीन नहीं है तो भैया इस फिल्म को टीवी पे भी मत देखिएगा, आपको भयंकर सिर दर्द हो सकता है और हो सकता है आपको समझ में ही ना आए कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये फिल्म सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उन्हें ये फिल्म खूब पसंद आने वाली है, और मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार।